पेरिस ओलंपिक 2024 का 12वां दिन भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। जहां एक दिन पहले ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को पंख लगे थे, उन उम्मीदों को बुधवार को जोर का झटका लगा। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक हो जाने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। वहीं विनेश को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद देश में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ चुकी है। पहले तो विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर जांच की मांग कर डाली, तो वहीं सीएम योगी ने भी पोस्ट कर विनेश को चैंपियन कहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाते हुए लिखा कि वो भारत का गौरव है और उन्हें मजबूती से वापसी करनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है, काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं। लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगी। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपके स्वभाव में है, मजबूती से वापसी करो, हम आपके साथ। तो वहीं विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप सभी भारतवासियों के लिए गौरव हैं, विजेता हैं, चैंपियन हैं, निराश मत होइए। सीएम योगी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने वैश्विक पटल पर मां भारती को स्वर्णिम आभा से दीप्त किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही पहले से अधिक मजबूत होकर मैदान में वापसी करेंगे। आप निराश मत होइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद ने विनेश को ओलंपिक से बाहर निकालने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान, विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगे। बता दें कि भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने के बाद ये माना जा रहा था कि वो गोल्ड लेकर ही देश वापस लौटेंगे। मंगलवार को भारतीय पहलवान ने शानदार कुश्ती लड़ी। पहले मुकाबले में विनेश फोगाट के सामने जापान की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और विश्व विजेता सुई सुसाकी थी। मुकाबला शुरू हुआ तो विनेश 0-2 पिछड़ रही थी। वही मैच के अंतिम 10 सेकंड में कमाल करते हुए उन्होंने मुकाबले का रुख ही बदल दिया और 3-2 जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। बता दें कि सुई सुसाकी ने अपने इंटरनेशनल करियर के सभी 82 बाउट में जीत हासिल की थी। इन मुकाबलों में ना वो सिर्फ जीती थी बल्कि विरोधी रेसलर को पूरी तरीके से धूल चटा चुकी थी। इसके बाद दो और मुकाबले जीत कर विनेश फाइनल में पहुंची, लेकिन बुधवार को उनका फाइनल मैच होना था, इससे पहले ही वजन ज्यादा होने के कारण अब वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी और ना ही उन्हें कोई मेडल मिलेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।